नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का दौरा समाप्त कर माननीय राष्ट्रपति मुख्य भूमि के लिए हुई रवाना। सांसद ने टीबी कुलम पुल के तत्काल मरम्मत का उपराज्यपाल से किया अनुरोध। और लोक स्वास्थ्य आपातकाल और आपदा प्रबंधन पर आयोजित 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का हुआ समापन। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वीप समूह की 5 दिवसीय यात्रा पूरी कर आज मुख्य भूमि के लिए रवाना हुई। माननीय राष्ट्रपति स्वराज द्वीप से सीधे पोर्ट ब्लेयर के INS उत्कृष हवाई अड्डे पर पहुंची। हवाई अड्डे पर माननीय उपराज्यपाल एडमिरल DK जोशी, सांसद कुलदीप राय शर्मा, मुख्य सचिव केशव चंद्र, अंडमान निकोबार कमान के कमांडर इन चीफ एयर मार्शल साजू बालाकृष्णन, DGP देवेश चंद्र श्रीवास्तव, पोर्ट ब्लेयर नगरपालिका परिषद की अध्यक्षा एस सेल्वी, दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त वेदिता रेड्डी ने माननीय राष्ट्रपति को विदाई दी। भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक राकेश पाल ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह की अपनी यात्रा के दौरान कल राजनिवास में माननीय उपराज्यपाल एडमिरल DK जोशी से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान द्वीप समूह तटरक्षक क्षेत्र की तटीय सुरक्षा को बढ़ावा देने, संभावित योजनाओं, परिसंपत्तियों में वृद्धि, बल अभिवृद्धि और बुनियादी ढांचे के विकास परियोजनाओं के बारे में चर्चा की गई। इस मुलाकात के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह तटरक्षक क्षेत्र के कमांडर महानिरीक्षक नीरज तिवारी भी उपस्थित थे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मुख्य निर्वाचन अधिकारी BS जगलान ने कल चुनाव अधिकारी, राज्य पुलिस नोडल अधिकारी, निर्वाचन विभाग के अधिकारियों की बैठक बुलाई। इस बैठक में इलेक्शन प्लानर, स्वीप प्लान तथा मतदान कर्मियों के कल्याण मानदंडों की समीक्षा की। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने आगामी लोकसभा चुनाव में मतदाताओं की अधिक से अधिक भागीदारी के लिए विभिन्न गतिविधियों और जागरूकता पर चर्चा की। भारत के निर्वाचन आयोग चुनाव के दौरान चुनाव कर्मियों के ड्यूटी के समय उन्हें जरूरी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने के लिए प्रतिबद्ध है। निर्वाचन अधिकारी ने आयोग के निर्देश के अनुसार मतदान कर्मियों के लिए सुविधाओं और कल्याण मानदंडों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। इस बैठक में निर्वाचन अधिकारी वेदिता रेड्डी, राज्य पुलिस नोडल अधिकारी मोनिका भारद्वाज, संयुक्त मतदान अधिकारी दिलखुश मीणा, उप मुख्य मतदान अधिकारी विनायक चमाड़िया और चुनावों के कार्यालय प्रभारी आनंद वर्धन मिश्रा उपस्थित थे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सांसद कुलदीप राय शर्मा ने द्वीपों के माननीय उपराज्यपाल से मध्योत्तर अंडमान जिले के शिवपुर ग्राम पंचायत के तहत टीवी कुलम पुल का तत्काल मरम्मत करने का अनुरोध किया है। इस संबंध में सांसद ने उपराज्यपाल को पत्र लिखकर कहा कि टीवी कुलम गांव के प्रवेश में स्थित स्टील वैली ब्रिज उसकी खराब स्थिति के चलते लोगों के लिए बंद रखा गया है। इस पुल के बंद होने से स्थानीय निवासियों को असुविधा हो रही है, क्योंकि ये पुल इस क्षेत्र में कनेक्टिविटी का अहम मार्ग है। उन्होंने कहा कि कुछ सालों से इस पुल का मरम्मत नहीं हो पाया है, जिस वजह से ग्रामवासियों की सुरक्षा खतरे में है। श्री शर्मा ने उस गांव के लोगों की सुविधा के लिए इस पुल को जल्द से जल्द मरम्मत कर उसे लोगों के लिए दोबारा खोलने का अनुरोध किया है। मध्योत्तर अंडमान जिला प्रशासन द्वारा आपदा प्रबंधन निदेशालय के साथ मिलकर जिले में आपदा मित्र योजना में वृद्धि के तहत 100 समुदाय स्वयंसेवकों के लिए आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया गया। निदेशालय ने विभिन्न स्वयंसेवकों को वितरित करने के लिए मध्योत्तर अंडमान जिला प्रशासन को आपातकालीन प्रतिक्रिया
किट प्रदान किया है। प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन अवसर पर जिला उपायुक्त अंकित यादव और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। उपायुक्त ने अपने संबोधन में किसी भी आपदा स्थिति के दौरान अपने समुदाय के लिए पहली रिस्पोंडर्स के तौर पर आपदा मित्र स्वयंसेवकों की अहम भूमिका पर प्रकाश डाला। ये आपदा मित्र आपदा और आपात के समय मूलभूत राहत और बचाव कार्य में अहम भूमिका अदा करते हैं। द्वीप दर्पण की अगली कड़ी इस अंतराल के बाद। अरे क्या हुआ चाचा, आज काम करते हुए गाना नहीं गुनगुना रहे हैं आप? क्या गाएं क्या गुनगुनाएं भैया? क्यों, क्या हुआ? बैठिए। छोटे भाई को टीबी हो गई है। हर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में टीबी का जांच और उसके इलाज दोनों ही मुफ्त में उपलब्ध है। पर चिंता तो अन्य खर्चों की है। NTEP नोटिफाइड जितने भी टीबी मरीज है ना, सरकार उन्हें आर्थिक सहायता उपलब्ध करा रही है। इलाज की समाप्ति तक सरकार हर टीबी मरीज के बैंक अकाउंट में हर महीने 500 रुपए दिया करेगी। इससे सही पोषण और अन्य खर्च दोनों में सहायता मिलेगी। ये तो टीबी के मरीजों के लिए बहुत बड़ी राहत है। बस ऐसे ही गाना गुनगुनाते रहिए चाचा। टीबी हारेगा देश जीतेगा। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता इंतजार, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 25 फरवरी सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं, या फिर नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में भी पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 25 फरवरी सुबह 11 बजे मन की बात। अंतराल के बाद द्वीप दर्पण में आपका पुनः स्वागत है। खालसा पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल पोर्ट ब्लेयर में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में श्री इकबाल सिंह शेरगिल और श्री गगनदीप सिंह नाहल ने दीप प्रज्वलित कर गतिविधियों को शुरू किया। स्कूल की शिक्षिका कविता ने उपस्थित बच्चों को मातृभाषा दिवस के महत्व के बारे में बताया। छात्रों ने विभिन्न भाषाओं में कई नृत्य प्रस्तुत किए। छोटे बच्चों द्वारा नृत्य पेश किए गए। इस नृत्य का संदेश था, हमारी मातृभाषाएं भिन्न हो सकती है लेकिन हम सभी एक समान हैं। स्कूल के प्रधानाचार्य ने मातृभाषा के प्रति प्रेम को बढ़ावा देने पर जोर दिया। छात्रों ने एक प्रस्तुति भी पेश की। पोर्ट ब्लेयर के अबरडीन बाजार स्थित श्री लक्ष्मी विनायगर मंदिर में बीते बुधवार को महाकुंभ अभिषेकम का आयोजन किया गया। इस उपलक्ष्य में बीते कुछ दिनों से पूजा अर्चना के कार्यक्रम हुए। 21 फरवरी को कुंभ अभिषेकम में पारंपरिक तौर पर और विधि विधान के साथ कुंभ अभिषेकम का पूजा अर्चना की गई। इसमें श्रद्धालु बड़ी तादाद में हिस्सा लिए। ओम श्री ह्रीं क्लीं ग्लौं घं गणपतये वरवरदे सर्वज्ञं मे वरवरदे वरवरदे सर्वज्ञं मे वरमानय स्वाहा। ओम श्री ह्रीं क्लीं ग्लौं घं गणपतये वरवरदे सर्वज्ञं मे वरमानय स्वाहा। ओम श्री ह्रीं क्लीं ग्लौं घं गणपतये वरवरदे सर्वज्ञं मे वरमानय स्वाहा। இவ்வளவு பேர் வராங்க, ஆ
पोर्ट ब्लेयर और दक्षिण अंडमान के कुछ इलाकों में कल सवेरे 8 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक जरूरत पड़ने पर कुछ घंटों के लिए बिजली काटी जा सकती है। जेब्रा टाई लाइंस के तत्काल मरम्मत के चलते ऐसा करना पड़ रहा है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान द्वारा विभिन्न एजेंसियों के सहयोग से पोर्ट ब्लेयर में आयोजित 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आज समापन हो गया। वृक्षाबाद के पौंडिचेरी विश्वविद्यालय परिसर में हुए समापन अवसर पर विशिष्ट अतिथि और प्रतिभागी मौजूद रहे। आरंभ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रतिभागियों ने अपने विचार रखे। कार्यक्रम के प्रतिभागियों को इस मौके पर सम्मानित किया गया। ऐसे सुनामी प्रभावित एरिया में हम आए हैं। प्रशिक्षण के प्रतिभागियों ने 5 दिवसीय कार्यक्रम पर अपने विचारों को साझा किया। इनका लाइवलीहुड जो जिंदा है उसको आपने जो देखने का प्रयास किया है इसके लिए धन्यवाद। और अपने अपने माध्यम से आप कल गए और इसलिए गए क्योंकि 60 लोग 60 जगह गए थे, इसलिए हमें नहीं मालूम है कि 60 जगह तो गाड़ी नहीं जा सकती थी, 2-4 जगह जा सकती थी, इसलिए सबकी अपनी अपनी चॉइस थी। कोई कह रहा है कि नीला देखूंगा, कोई कह रहा है लाल देखूंगा, तो डिसाइड नहीं कर पाया। तो ये बात जो मर्जी आए वो रंग अपना देखिए, लेकिन आप लोगों ने जो 5 मिनट का 10 मिनट का जो प्रोडक्शन किया है वो काबिल तारीफ है। एंड द पार्टिसिपेंट्स आर द बैकबोन ऑफ दिस ट्रेनिंग कोर्स एंड विदाउट द सपोर्ट ऑफ एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ दिस यू कैन नॉट सक्सीड। एंड आई एम थैंकफुल टू the participants from especially from the All India Radio, Prasar Bharati and then NDRF and SDMA, Andaman Nicobar Administration and Angkor College and then Mahatma Gandhi International School, Kamaraj School, without communication जो respond है या जो भी किसी भी situation को handle करना वो बड़ा मुश्किल है। तो यहाँ के मैंने देखा कि आप लोग भी जो रोडकास्ट एजेंसी different different से हैं तो वो जो काम करते हैं किसी भी इंसिडेंट के दौरान वो हमसे बड़ी चुनौती का सामना करते हैं। कई बार मैंने देखा न्यूज में भी कि वो ऐसे ऐसे टेलीकास्ट करते हैं, ब्रॉडकास्ट करते हैं जो कि एक वॉरियर से कम नहीं है। प्लीज कंडक्ट वन अवेयरनेस कैंप इन आवर कैंपस दैट शुड बी टेकन मैसेज फ्रॉम नियर अराउंड 1000 स्टूडेंट्स। सो देयर केम फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस फ्रॉम The program was well organized and mainly not even the one department or the departments who are engaged in this disaster, during the disaster, all the departments were also participated. So it is a good thing that everyone will be knowing their duties and how they have to cooperate and coordinate during the disaster. तो और बहुत अच्छा है कि ऑल फ्यूचर हम लोग कैसा रहना है, किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन ऊपर आएगा, तो हम लोग कैसे उसको रखवाला करना है, सबके लिए सारा ऑफिसर लोग को हम बहुत बहुत थैंक्स। तस्वीर लेना भी जरूरी है जिंदगी में साहब, आईने गुजरा हुआ वक्त नहीं बताया करते, तस्वीरें बहुत ली। और ये कुछ लोगों के लिए है जो हमारे साथ ग्रुप में थे, उम्र अभी बाकी है, आपसे भी तमाम होंगे थ्योरीज, उससे जो मैच करके उन्होंने जो एक्सपीरियंस शेयर किया उससे क्या एक नॉलेज बढ़ जाते हैं और एक आइडिया आ जाती है। जैसे आप लोग जो मीडिया पर्सन है, जो रेडियो से है, वो कैसे हर कंडीशन में कैसे फंक्शन करते हैं, ये सब कुछ डिफरेंट डिपार्टमेंट है, तो ये बहुत अच्छा इंटरेक्शन मिला है। और हम थोड़ा सा मतलब ट्रेनिंग जो हमारा माइंडसेट रहता है डिपार्टमेंट का, वो डिपार्टमेंट के माइंडसेट से थोड़े बाहर है। समारोह के अतिथियों ने प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन सत्र को संबोधित किया। तो मंजिलें हमें मिली जाएंगी और जो हमारा लक्ष्य है कि किसी भी तरह से कोई भी कैजुअल्टी आपदा की वजह से ना हो। जो जन्मा है वो मृत्यु तो निश्चित है, परंतु अनिश्चितता के साथ असमय मृत्यु
हमारे अपने जो गलतियों की वजह से होती हैं आपदाओं के दौरान, उसको हम कैसे न्यूनतम कर सकते हैं, कम से कम या जीरो लेवल पे ला सकते हैं, यही हमारा लक्ष्य है। और आपदा रहित विकास होना चाहिए ना कि, और आपदा सुरक्षित भारत की ओर हमें अग्रसर करना होना है, और यही हमारा प्रयास। कार्यक्रम में प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। अंतरद्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। एमवी हटबे स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे फिनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 1 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी रंगत स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फिनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी कमोटा शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फिनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी बाराटांग स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर 12 बजे फिनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल शाम 4 बजे शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी कमोटा शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर 1 बजे फिनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 4:30 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी रंगत स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल शाम 5 बजे फिनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का दौरा समाप्त कर माननीय राष्ट्रपति मुख्य भूमि के लिए हुई रवाना। सांसद ने टीवी कुलम पुल के तत्काल मरम्मत का उपराज्यपाल से किया अनुरोध। और लोक स्वास्थ्य आपातकाल और आपदा प्रबंधन पर आयोजित 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का हुआ समापन। इसी के साथ ही आज का ये द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।